जो मुश्किलों को अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं वही चैंपियन होते हैं। ऐसे ही एक चैंपियन से आज मैं आपको मिलवाता हूँ। प्लीज वेलकम मोहित। हाय, कैसे हैं मोहित? बहुत बढ़िया सर। अरोड़ा साहब, बाकी सब फर्स्ट क्लास, घर पे सब बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मैं बता दूं, मिस्टर मोहित अरोड़ा जो हैं वो हिसार से हैं और हिसार से ही आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस संभालते हैं। यस सर ऑफ कोर्स। तो आप जो अपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो क्या क्या आप आइटम्स बेचते हैं, क्या क्या आपके पास सामान है, क्या किस किस में डील कर रहे हैं आप? वी आर डीलिंग इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स एंड वी डू हैव हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट एज वेल। उन सब में हम डील कर रहे हैं। और ब्यूटी और हमारा हेयर केयर का बचपन से हम उसे देखते आ रहे हैं, तो हमने उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आए, फ्लिपकार्ट के साथ लेके आए जी। तो हमें काफी अच्छा लगा ये सफर। तो फ्लिपकार्ट के बारे में पता कहाँ चला, कहाँ से आइडिया आया, किसने कहा कि आप ऑनलाइन जाओ, या ये इंटायर थॉट प्रोसेस कब आया? आई वॉज वर्किंग इन वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो फ्रॉम पानीपत, वो उसने और मैंने मिलकर एक आइडिया बनाया कि हम फ्लिपकार्ट पे हम ऑनलाइन सेलिंग करेंगे, क्यों ना हम सेल करें जी। तो मैं वापस अपने हिसार सिटी में आया, मेरा ब्रदर जस्ट पास आउट फ्रॉम ग्रेजुएशन, माई यंगर ब्रदर, तो हमने वहाँ बैठ करके डिसाइड किया कि फ्लिपकार्ट के साथ हम रजिस्टर्ड होंगे जी। तो हमने एक स्मॉल स्केल पे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ जो शॉप पे रखे हुए थे, हमें उन्हें रजिस्टर्ड किया और लिस्टिंग्स करी। धीरे धीरे करके सर हमने वो सब कुछ किया। वही थैंक्स टू फ्लिपकार्ट एंटायर टीम और माई अकाउंट मैनेजर वहाँ पे जब जो थे उन्होंने, या सेलर सपोर्ट टीम जो थी फ्लिपकार्ट की, उन्होंने हमारे को पूरा जज किया। हमने यूट्यूब के लिंक्स देखे, कैसे लिस्टिंग करना है, कैसे पेमेंट का रोटेशन रहता है, वो सब समझा। क्या अलग आपको देखने को मिला है फ्लिपकार्ट के साथ काम करके? फ्लिपकार्ट के साथ काम करने के लिए सबसे अच्छा हमें ये लगा, जो उनका लिस्टिंग मॉड्यूल है, उनका कैटलॉगिंग मॉड्यूल है, दैट इज़ गुड इनफ रादर देन अदर प्लेटफॉर्म्स। अगर हम फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो एक प्रोडक्ट को जब देखते हैं तो वो काफ़ी उतना ही इफेक्टिव होता है जितना एक हीरो होता है। इस टाइम में आप कैसे सस्टेन कर पाए हो अपने आप को? 29th of March का दिन था और मेरी अकाउंट मैनेजर का फ़ोन आया जी, मिस निग्दा, कि मोहित अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। प्रोसेसिंग से लेके ऑर्डर डिस्पैच तक सब काम मेरी फैमिली ने किए, मेरे एम्प्लॉय जो नज़दीकी थे उन्होंने सब ने किए। तो ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी। हमने अपने नंबर्स को ना ही डबल किया, 10 times किया विद इन ए मंथ। 10 times मेरे फ्लिपकार्ट अकाउंट मैनेजर्स को सबसे पहले धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने ये जो सफर जो मेरा 10 times किया जी। तो सबसे बड़ा रोल तो सबसे पहले सर फ्लिपकार्ट का है, फिर मेरे एम्प्लॉयज का है, फिर मेरी फैमिली बिजनेस का और वेंडर्स का है, सबका सहयोग है सर उसमें। तो बेसिकली वो ये, आपके जो छोटा भाई भी है वो भी आपकी काफी मदद करता है राइट। तो उनका और आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस बिजनेस में, कि वो ऐसा है कि आप वो एक जोन संभालते हैं, आप एक जोन संभालते हो? ऑर्डर प्रोसेसिंग से लेके ऑर्डर डिस्पैच तक का सारा वो देखता है। गुड्स परचेज के लिए मैं रहता हूँ और प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए मेरी टीम रहती है। तो सर वो लिस्टिंग होती है और सबसे बड़ी बात है कि हम कैटेगरी जो डिफाइन हमें फ्लिपकार्ट ने करके दी है वो पर्टिकुलर उसी कैटेगरी में हम उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है शैम्पू जी, तो वो शैम्पू सर्च करता है, एंटी डेंड्रफ शैम्पू उसने सर्च किया तो वो हमारा प्रोडक्ट ऊपर कैसे आएगा, काफ़ी सेलर्स हैं, आपका प्रोडक्ट ऊपर कैसे आएगा, उसके लिए हम फ्लिपकार्ट की प्रमोशंस का यूज़ करते हैं। 5% 10% 15% 20% ऑफ दे करके वो प्रमोशंस का यूज़ करते हैं, उसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। जो आपको देख रहे हैं लोग और जो सोच रहे हैं कि यार आई थिंक मुझे भी सेलर बनना है या मुझे भी फ्लिपकार्ट पे यू नो अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मुश्किलें आ सकती हैं उनको? सबसे पहले तो उन्हें मैं ये कहूँगा कि आप एक डिफरेंट सोच के साथ आइए, ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, आपको किसी कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं करना, बट आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है जी। अगर आप कस्टमर सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म है ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमने सबसे बड़ा ध्यान फ्लिपकार्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे दिया। चलिए, तो ये तो थी इनसाइड कहानी कि कैसे
इन्हें हेल्प मिली है, इनकी पूरी टीम से, फ्लिपकार्ट से। लेकिन मोहित, इससे पहले कि आप जाएं, हम आपके साथ एक और सेगमेंट करना चाहेंगे। मैं आपको लेके जाना चाहूंगा हमारे रैपिड फायर जोन में, रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ। ओके। मैं सोच रहा हूं कि आपका भाई भी आ जाए। हाँ, ब्रदर मेरे आए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो भी रैपिड फायर। तो हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि दोनों के साथ आज रैपिड फायर खेला जाए, देखते हैं कौन ज्यादा रैपिड है। ओके, तो ठीक है, चलती है हमारे रैपिड फायर राउंड में। तो हम हैं इस वक्त हमारे सेकंड सेगमेंट यानी कि हमारे रैपिड फायर में, और ये है हमारा रैपिड फायर जोन। मोहित, आपके भाई यहाँ आ चुके हैं, हिमांशु। यस सर। बड़े हिमांशु, बताओ यार अपने बारे में। सर, मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ। 5 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था। हाँ। ब्रदर की गाइडेंस में। बातें तो आपसे बहुत करते रहेंगे हम, तो ये जो है ये हमारा रैपिड फायर जोन। ओके। क्योंकि आप दो लोग हैं तो आपके हाथ में मैंने बजर थमा दिया, एक एक बजर आपके पास है। जिसने पहले बजर दबाया मैं उससे जवाब मांगूंगा, आपको मुझे जवाब देना है और आपको एक छोटा सा रीजन बताना है कि क्यों आपने उस जवाब के साथ गए। ऑलराइट। जो जीता उसे हम दे देंगे ये गिफ्ट हैम्पर। ये गिफ्ट हैम्पर लिस्टेड नहीं है, ये खाने के लिए, बेचने के लिए। आपका पहला सवाल है, सेफ एंड स्लो या रिस्क एंड रिवॉर्ड? हाँ जी मोहित जी, रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड क्यों? बिजनेस में हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते तो रिवॉर्ड ले नहीं सकते। और हिमांशु? रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको भी जमता है ना? बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ बिजनेस, मॉल्स या ऑनलाइन? जी हिमांशु, ऑनलाइन सर। ऑनलाइन क्यों? बिल्कुल। मॉल क्यों नहीं? आगे सर ऑनलाइन का ही जमाना है सर, बिल्कुल। चाहे लॉकडाउन हो तो ऑनलाइन ने सब अरेंज करवाए प्रोडक्ट लोगों को, तो सब आगे मुझे फ्यूचर ऑनलाइन का ही लग रहा है सब सर। नेक्स्ट सवाल, अगर आपको जिंदगी में मैं बोलूं कि वापस भेजता हूं टाइम में, ओके, ठीक है, और एक गलती सुधार सकते हैं आप, तो वो क्या होती? 4.5 साल पहले अगर मैं बैक में जाऊं, मैंने फ्लिपकार्ट के साथ साथ अनदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी ज्वाइन किया। ओके। वहां से बैक वापिस फ्लिपकार्ट पे आया, रीजन उसका यह था वहां पर इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज थी, सॉर्ट आउट करने वाला कोई नहीं था। यहाँ पे सॉर्ट आउट करने वाले काफी लोग मिल गए ड्यूरिंग द 2 मंथ्स। वो एक बड़ी मिस्टेक थी मैंने जो फ्लिपकार्ट को लेफ्ट किया था, बट मैंने रीज्वाइन किया और फिर हमने छोड़ा नहीं, फिर पीछे तो वो 2 महीने आप जाने नहीं दोगे, आप वो चेंज कर दोगे? वो नहीं छोड़ो, वो 2 महीने जो मैंने लॉस किया फ्लिपकार्ट के साथ ना रह के, तो वो। अगला सवाल, मोर प्रोडक्ट्स या स्पेशलाइजिंग इन वन? मोर प्रोडक्ट्स। मोर प्रोडक्ट्स क्यों? नंबर ऑफ लिस्टिंग्स ज्यादा होंगी तो वो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ कस्टमर्स भी ज्यादा होगा। चलिए, तो आखिरी सवाल आपसे है, बहुत ही सोच समझ के ये वाला जवाब देना, फैमिली या बिजनेस, या फैमिली बिजनेस? फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस है सर। जब थॉट प्रोसेस सेम होगा सर, हाँ, दोनों ब्रदर का या पूरी फैमिली का, हाँ, तो हम चाहेंगे ही नहीं बिजनेस अलग हो, वो फैमिली के साथ ही बिजनेस अच्छा लगता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक हाइपोथेटिकल फिगर कि आप चाहते हैं कि आपका फ्लिपकार्ट पर आपकी कंपनी का टर्नओवर महीने का ये हो, तो क्या फिगर होगी आप दोनों के दिमाग में? एक रैंडम फिगर। रैंडम फिगर 2025 का एक टारगेट सेट है, हाँ, कि 100 करोड़ की सेल करनी है 1 मंथ, एक महीने में 100 करोड़ की, 100 करोड़ की सेल करनी है। सर, सपने तो उच्चे ही होने चाहिए, बाकी हम इस टारगेट के पीछे दौड़ेंगे। बहुत मजा आया आप दोनों के साथ यार ये गेम खेल के। मैं तो नहीं चुन सकता हूँ दोनों भाइयों के बीच में विनर, तो मैं सोच रहा हूँ 1 और 1/11 को दोनों को ये अवार्ड दे दिया जाए। तो ये है आपका गिफ्ट हैम्पर, मैं चाहूंगा ये आप दोनों घर ले जाके फैमिली के साथ चाय के साथ ये जो मैंने आपको सामान दिया है ये खाएं। प्लीज 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 इसे लिस्ट ना करें। फिलहाल मैं होप करता हूँ कि आप दोनों का सपना पूरा हो और जितने भी ड्रीम्स हैं वो सब साकार हो। थैंक यू सो मच। और हाँ, याद रखिए बाहर ज़्यादा मत घूमो यार, स्टे सेफ, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। टेक केयर, बाय बाय।